दोस्तों, अपोजिट वर्ड्स इन उर्दू हिंदी इंग्लिश का ये हमारा नवा वीडियो है और इस वीडियो में भी हम हमेशा की तरह आपके लिए 20 अल्फाज लेकर आए हैं। उन 20 अल्फाज को हमने उर्दू हिंदी और इंग्लिश तीनों जबानों में आपके लिए लिखा है। उसके साथ ही साथ हम तस्कीर और तानीस पर भी बात करते चलते हैं, जैसे कि उस लफ्ज का क्या जेंडर है, अगर वो नाउन है या वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या फिर वो वर्ब है। हम सारी तफसील अल्लफ्ज की आपको बताते चलते हैं। ये वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उर्दू एक सेक्शन है, तो वहां पर आपको उर्दू कवायद के सेक्शन में या जबान के सेक्शन में जरूर इस तरह के अल्फाज मिल जाएंगे जो बहुत छोटे छोटे हैं, और अगर आप इसको सही तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पूरे नंबर इसके मिलेंगे। जैसे आजकल बहुत सारे लोग उर्दू अनुवादक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमारे यही वीडियोस किसी दूसरे चैनल पर इलीगली चलाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, यानी वो हमारे कंटेंट को चुराकर अपनी वीडियो पर चला रहे हैं, और अगर आपकी नज़र से ऐसे वीडियो या चैनल गुजरे तो हमें ज़रूर बताएं। और जो लोग हमें इस तरह की इत्तला देते हैं हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दो एडजेक्टिव्स लिए हैं, गैर इरादतन और इरादतन। गैर इरादतन का मतलब है अनजाने में, अनइंटेंशनली। इरादतन का मतलब है जानबूझकर, इंटेंशनली। फिर है जन्नत, फेमिनिन नाउन है, स्वर्ग, मैस्कुलिन नाउन है हेवन। दोजख, फेमिनिन नाउन है नर्क, मैस्कुलिन नाउन है हेल। शख्स, व्यक्ति, इंडिविजुअल। याद रखिए, शख्स को कभी तो हम मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कभी एडजेक्टिव के तौर पर। फिर है गिरोह या समूह, ये भी मैस्कुलिन नाउन है ग्रुप। इल्म, ज्ञान, मैस्कुलिन नाउन है नॉलेज। जहालत, फेमिनिन नाउन है अज्ञान, इग्नोरेंस, ये मैस्कुलिन नाउन है। फिर है शानदार, अद्भुत, मार्वलस, खौफनाक, भयावह, टेरिबल, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। खसीस, कृपण, मीन या माइजर, जिसे हम कंजूस भी कहते हैं। दरिया दिल, उदार, जेनरस, ये चारों शब्द, चारों अल्फाज एडजेक्टिव्स हैं। फिर है पिघलना, वर्ब इंट्रांजिटिव है मेल्ट। फिर है जमना, जिसका अपोजिट, तो जमना का एक मतलब ठिठुरना भी होता है, जैसे ठंड से जम रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है फ्रीज। और जमना और ठिठुरना भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। गैर मुनज्जम, अव्यवस्थित, एडजेक्टिव्स हैं मेस। उसका उल्टा है मुनज्जम, व्यवस्थित, एडजेक्टिव है अरेंज्ड। आधी रात, मध्य रात्रि, फेमिनिन नाउन है मिडनाइट। दोपहर, मध्यान्ह, दोनों फेमिनिन नाउन है नून। मिला जुला या मिश्रित एडजेक्टिव है मिक्स्ड। जुदा, पृथक या अलग, सेपरेटेड, ये भी एडजेक्टिव है। फिर है बादशाही निजाम, राजतंत्र, ये है मैस्कुलिन नाउन मोनार्की। उसका उल्टा होगा जमहूरियत, गणतंत्र, रिपब्लिक, ये है मैस्कुलिन नाउन। खोना या गंवाना, ये है वर्ब ट्रांजिटिव लूज। उसका उल्टा होगा हासिल, अर्जित, ये होगा वर्ब ट्रांजिटिव एक्वायर। तो ये वाला खोना या हासिल करना, अर्जित या गंवाना, हम चीजों के लिए या पैसों के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही साथ इज्जत कमाना, शोहरत अर्जित करना या गंवाना, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होता है। फिर है नजरअंदाज करना, सुध ना लेना, वर्ब ट्रांजिटिव है निग्लेक्ट। फिर है कबूल करना, स्वीकार करना, कन्फेस। अब जो कन्फेस लफ्ज है इंग्लिश में, उसका एक खास मतलब है कि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों को कबूल करते हैं, और ये सब वर्ब ट्रांजिटिव है। जंगली, वाइल्ड, पालतू, डोमेस्टिक, और ये आमतौर पर जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव है। खर्च करना, स्पेंड, कमाना या रोजी कमाना,
कमाना और भी मतलब हो सकते हैं, जैसे इज्जत कमाना वगैरह वगैरह, और ये सब वर्ब ट्रांजिटिव हैं। फिर है सच्चा, सत्यता, ट्रुथ, झूठा, फॉल्स। अब इस झूठ फॉल्स का एक मतलब नकली भी हो सकता है, जिसे हम फेक कहते हैं। ये भी एडजेक्टिव्स हैं। रास्ता भटकाने वाला, बहकाना, मिसगाइड, जब आप किसी को सही रास्ते पे चलने से रोकते हैं, ये भी होगा वर्ब ट्रांजिटिव। रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक, एडजेक्टिव, गाइड। सच, सत्य, मैस्कुलिन नाउन, ट्रूथ। झूठ, असत्य, लाए, मैस्कुलिन नाउन। बनावटी, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। कुदरती, प्राकृतिक, नेचुरल, ये एडजेक्टिव्स हैं। फिर है नज्म, पद्य, पोइट्री, फेमिनिन नाउन। नस्र, गद्य, मैस्कुलिन नाउन, प्रोज के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। उम्मीद है कि आप इन अल्फाज को याद कर लेंगे, और अगर आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।